ध्यान से देखो, आपके कैलेंडर का पार्ट थ्री आज सामान्य प्रश्न जो आपके परीक्षा में आते हैं उनको हल करना सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके, 2 मार्च को बुधवार है तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा? 2 मार्च को बुधवार है तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा? उसी महीने की बात हो रही है, मतलब अगर आपके 2 मार्च को बुधवार है तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा? इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, आपकी जो बड़ी तारीख है मतलब बड़े नंबर है कौन सी है, 26 में से 2 को घटाते हैं, 26 में से 2 को माइनस करेंगे, 26 माइनस 2 कितना बच गया, 24। अब जो 24 है इसमें भाग देना है अपने को 7 का, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, 24 में भाग दोगे 7 का, 7 3 21 कितनी बार जाएगा, 3 बार, मतलब भाग देके देख लेते हैं, 24 में भाग देना है 7 का, 7 3 21 कितना बचा, 3, मतलब शेष कितना बचा, 3। अब आपका जो शेष बचता है, शेष बची कैसी संख्या है, विषम संख्या, शेष बची जो कैसी संख्या है, विषम हो चाहे सम हो, आपको तो ये करना है, यहाँ कौन सा वार था, बुधवार से 3 शेष बचा, जितने दिन शेष बचे उतने दिन आगे चल रहे। अब बुधवार से 3 दिन गिनो, बुधवार के बाद आया आपके गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कौन सा वार आया, शनिवार, तो आपके जो मतलब 26 मार्च कौन सा वार होगा, 26 मार्च को आपके कौन सा वार होगा, यह आपको जाएगा शनिवार। ध्यान दो, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे सवाल ये कहा 2 मार्च को बुधवार है तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा, अब क्या करना है आपको, 26 में से माइनस करने हैं 2, मतलब बड़ी वाली तारीख में से छोटी वाली तारीख को घटाना है, 26 में से 2 घटाए कितना बच गया, 24 बच गया। अब 24 में आपको 7 से भाग करना है, 7 से भाग क्यों करना है, क्योंकि एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन, 7 से भाग करने पर जो शेष बचेगा, शेष कितना बचा 7 से भाग करने पर, 3 शेष बच रहा है, तो ये 3 क्या करेंगे, ये जो वार था अपना कौन सा वार था, बुधवार, बुधवार से 3 दिन आगे लेंगे, बुधवार के बाद आया गुरुवार, गुरुवार के बाद आया और शुक्रवार के बाद आया, हो गए 3 आगे, तो आपके 26 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। अब है आपके दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन ये है आपके, 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है, 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा। देखो यहाँ पर आपको एक तो लीप वर्ष का ध्यान रखना है, अगर आपके लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है उसमें एक दिन की घटत या बढ़त हो जाती है, क्योंकि लीप वर्ष जो है उसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की, जबकि साधारण वर्ष में 28 दिन। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, कल पूछ रहा था तुम, ध्यान देखो, 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा, इसके लिए क्या करेंगे अपन, ध्यान दो, देखेंगे पहले 10 मार्च 2003 और फिर किसका पूछ रहा है, 25 जून 2003। अब देखो यहाँ पर ईयर समान है, वर्ष तो क्या है, समान है, देखो 2003 और 2004, अब देखो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, साधारण, क्योंकि इसमें 4 का पूरी पूरी बार भाग है नहीं जाता है, साधारण वर्ष है। अब अपने को ढूंढना है 10 मार्च से 25 जून तक, कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले देखो मार्च, मार्च का महीना है, मार्च का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, कितने दिन का होता है, अगर आपको ऐसे नहीं पता हो कि 30 दिन का कौन सा होता है, 31 दिन का कौन सा होता है, तो इसके माध्यम से आपके जो ये देखते हैं ना इनके माध्यम से आप पता कर सकते हो, कैसे, ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो, ये होगा आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दिसंबर तक ही होता है तो दिसंबर तक ले लो, ठीक है। अब जो ऊपर आए वो तो होता है 31, ऊपर आए वो तो कितने का, और जो नीचे आए वो कितने का, 30 का। इसमें ये ध्यान रखना है कि फरवरी एक तो 28 की होती है और ये 29 की होती है, तो जो ऊपर आता है वो तो किसका होता है, 31 का, और जो नीचे आएगा वो किसका होगा, 30 का।
अब अपने को इसमें किसका देख रहे हैं, मार्च महीने का। तो देखो जनवरी फरवरी और मार्च, मार्च किधर आया ऊपर, मतलब कितने दिन का होता है 31। अब यहाँ मार्च की और आपके 10 से शुरुआत, तो आपको क्या करना है 31 माइनस 10 करना है। 31 में से कितना कटाना है 10, तो कितने दिन बच गए 21 दिन बच गए। अब देखो फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल, सॉरी मार्च के बाद कौन सा महीना आता है अप्रैल, अप्रैल आता है ना, अप्रैल कितने दिन का होता है 30 दिन का। तो यहाँ फिर प्लस कितना करो 30। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है मई, अप्रैल मई, मई कितने दिन का होता है 31। तो फिर यहाँ कितना प्लस करो 31 प्लस करो। अब फिर 31 के बाद मई के बाद क्या आया जून, और अपने को जून का ही चाहिए कितनी तारीख तक, तो यहाँ 25 का 25 लिखो। अब इन सबको जोड़कर इसमें भाग देना है आपको 7 का, इन सबको जोड़ो और इसमें भाग दे दो 7 का। अब ध्यान दो, अब हमको जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैंने आपको जो मेथड बता रखा है उससे करेंगे। 7 का भाग 21 में दो, 7 दिए कितना शेष बचा, तो यहाँ शेष को लिखो 0। 7 चौक कितना शेष बचा, यहाँ लिखो 2। 7 चौक कितना शेष बचा, यहाँ लिखो 3। 7 दिए कितना शेष बचा, यहाँ लिखो 4। अब ऊपर वाले सबको जोड़ लो, 2 3 5, 5 और 4 यहाँ आ गया 9/7। अब 9 का भाग 2/7 में 1 बार, शेष कितना बचा 2, शेष कितना बचा 2 बच गया आपके शेष फल। देखो 7 का भाग 9 में दिया तो शेष कितना बच गया 2। अब इस दिन कौन सा वार था, शुक्रवार, शुक्रवार से 2 दिन आगे चलो, शुक्रवार शनिवार और रविवार, तो आज 25 जून को कौन सा वार होगा, 25 जून को जाएगा आपके रविवार। अब ध्यान दो 25 जून को रविवार हो जाएगा, आए समझ में, अब नहीं आए हो तो अगला देखो, ये भी सेम है सर, ऐसा ही है। ध्यान दो 17 मार्च 2005 को कौन सा वार है, बुधवार, तो 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा, फल ये लिख लो आपके 17 मार्च, 17 मार्च 2005, फिर आपके किसका पूछा 12 सितंबर, 12 सितंबर 2005 का पूछा। अब यहाँ भी अपने को देखना है, पहले तो ईयर देखो, दोनों में क्या है समान है, ये दोनों में आपके ईयर है समान, तो इनसे तो अपने कोई लेना देना नहीं है। अब महीने पे आ जाओ, सबसे पहले महीना कौन सा मार्च, फिर महीना कौन सा सितंबर। अब देखो मार्च, जनवरी फरवरी मार्च कितने दिन का होता है 31 दिन का होता है, 31 में से कितना लेस करेंगे 17, यहाँ घटा दो, यह आ जाएगा 31 माइनस 17, कितना बचा, कितना बचा 14, तो ये आपके बच गए 14। आप चाहो तो आप डायरेक्ट 7 से बात करके इसका शेषफल कितना लिख सकते हो, 7 × 14, शेषफल 0 लिख सकते हो ना, पहले 14 लिख लो बाद में करेंगे सब, ठीक है। फिर प्लस देखो मार्च के बाद कौन सा महीना आया, सितंबर तक चल रहा है अपने को, मार्च के बाद कौन सा आया अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है 30 दिन का, तो यहाँ अप्रैल का कितने दिन लिखेंगे 30। अब देखो अगर आपके 30 दिन आ जाए महीने में, तो आपको शेषफल कितना लिखना है 2, 7 × 28 शेष कितना बचेगा, तो आप डायरेक्ट 2 ही लिखो, इतना टाइम वेस्ट मत करो। फिर अगर 31 आ जाए तो शेषफल कितना लिखना है 3, अभी देखना, देखो अप्रैल आ गया, अप्रैल के बाद कौन आएगा मई, अप्रैल के बाद मई, मई कितने दिन का होता है 31 दिन का होता है, तो प्लस में कितना जोड़ेंगे 31, फिर प्लस मई के बाद जून, जून कितने दिन का होता है 30, 30 का होता है ना, फिर कितना जोड़ेंगे 30 प्लस जून के बाद कौन आता है जुलाई, जुलाई कितने का होता है 31, जुलाई कितने का होता है 30, में प्लस करेंगे 31, फिर प्लस जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त भी कितने दिन का होता है वही 31 का होता है। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ ऊपर वाले पे 31, और फिर ये देखो अगस्त,
ये भी करवाया गया, ये भी कितने का? 31 का। आपको ध्यान रखना है जुलाई और अगस्त का महीना रेगुलर दोनों महीने 31-31 के होते हैं। फिर प्लस कितना करेंगे? 31 और प्लस। अब ध्यान दो, जुलाई के बाद कौन सा महीना आया? सितंबर ही आएगा, सॉरी अगस्त के बाद सितंबर ही आएगा। अगस्त लिख लिया आपने, सितंबर आएगा। अब सितंबर कितने तक है? 12 तक। तो कितना 12 लिखेंगे, क्योंकि 12 से घटाने का चांस ही नहीं है। यहाँ लिखेंगे 12 और इन सब में जोड़ के किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। अब देखो आप जोड़ने के बजाय यहाँ से 7-7 से इनको काट के जाओ और जो इनके शेष फल आएंगे वो लिख के जाओ। अब ध्यान दो, 7 × 2 शेष फल कितना? 7 × 4 शेष फल कितना? 7 × 3 7 × 4 28 शेष फल कितना? शेष फल कितना? शेष फल कितना? शेष फल कितना? 7 × 1 शेष फल कितना? 5 ठीक है। आप सबको जोड़ लो, देखो 2 × 3 5 2 7 10 और 3 13 5 18 / 7। अब 7 का भाग दो, 7 × 16 शेष कितना बचा? 4 शेष बचेगा आपके, 4 क्या बचेगा? शेष फल। अब देखो आज के 17 मार्च 2005 को कौन सा वार था? अब 4 दिन आगे चलो, 4 शेष बचा ना, 4 दिन आगे चलना है। बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो आपका 12 सितंबर का भाग कौन सा आ जाएगा? 12 सितंबर को आ जाएगा आपका रविवार। अब आपको अगले सवालों में क्या करना है, ये से नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है। अगर महीना 30 आता है तो कितना लिखोगे? 2। 31 आता है कितना लिखोगे? 3 ठीक है। तो उतार, आए समझे? उतारो।